वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। तो ये सुबह सुबह की क्लिप है और मैं बना रही हूँ एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी, तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। ये है मूंग की दाल जो मैंने ओवरनाइट सोक करने के लिए रखी थी और सोख हो चुकी है। आप चाहें तो 2 से 3 घंटे रख सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो। यहाँ पे मैंने रात भर रखी क्योंकि मुझे सुबह सुबह बनाना था। तो इसमें अदरक हरी मिर्ची डाल के मैंने पेस्ट बना लिया है और मैंने इसमें डाल दिया गेहूं का आटा। जी हाँ, मैं बनाने जा रही हूँ इसकी कचौरियाँ। आप इसको पूरी कचौरी जो चाहे वो बोल सकते हैं। ग्रेवी वाली सब्जी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन आज मैंने अपने हस्बैंड को सादा सी यही पूरियाँ दी हैं कचौरी वाली। इसमें मैंने डाला है हींग, सौंफ और जीरा और लाल मिर्ची और नमक। आप इसमें थोड़ा सा अजवाइन भी डालिए, मैं भूल गई थी, आप जरूर डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट एंड फ्लेवर आता है। उसके बाद इसको बेल लेंगे और तेल को गर्म कर लेंगे और धीमी आंच में इसको सेक लेंगे करारी करारी सी। सच में ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। आप इसे ग्रेवी वाली सब्जी के साथ में या फिर चाय के साथ, नाश्ते के साथ में ले सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो बस इनको सेक कर अपनी बेटी यानी अध्या का टिफिन और अपने हस्बैंड का टिफिन लगाकर उनको स्कूल के लिए भेज देंगे। मैं अध्या को स्कूल को छोड़ आई हूँ। स्कूल से छोड़ के आने के बाद मैंने की है अपने घर की क्लीनिंग, जो कि किचन है जो काफ़ी मैसी हो जाता है काम वाम करते करते। तो उसके बाद फिर मैंने जो ये जिम रेस्टॉल है जो कि मैं गई थी उड़कर आध्या को छोड़ने डालकर, मेरा बैग यहीं पे तैयार किया था आध्या को, ये सारा सामान मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। तो अब मैं इनको उठाकर अपनी अपनी जगह पे रख रही हूँ और तो यहाँ पे मैं अपना सारा काम है वो कंप्लीट कर लूँगी। बैग है अलमारी में टांग दूंगी और मतलब रख दूंगी और उसके बाद स्टॉल को अपनी जगह पे, सारा सामान को अपनी जगह पे अरेंज कर लूंगी। तो मैं क्या करती हूँ, जब तक आध्या नहीं आती है तब तक घर के जो इतने भी मेरे काम होते हैं जो आध्या करने नहीं देती है, परेशान करती है, वो सारे कर लेती हूँ। जैसे कि मुझे कपड़े फोल्ड करना है, काफ़ी दिन के कपड़े थे ये, मैंने धुले थे और इनको फोल्ड करके लगा रही हूँ। इकट्ठा करके दूसरे वाले रूम में रख देती हूँ, जब टाइम मिलता है तब मैं इनको तय बना लेती हूँ। ये वाला टॉप आप लोग काफ़ी दिनों से पूछ रहे थे कि कहाँ से लिया, तो ये मैंने लिया था अपटाउनी से और मैंने एक वीडियो बनाया है अपटाउनी वाला, काफ़ी पहले बनाया था, मैं पुराने वाले घर में रहती तब का है वो वीडियो, आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उसमें इसका लिंक भी दिया गया है, आप लोग चाहे तो उससे खरीद सकते हैं वहाँ पे जाके। तो कपड़ा इसका अच्छा है, वॉशेबल है, घर में आप आसानी से धुल सकते हैं। इस्त्री वगैरह इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं, इसमें सिकुड़न नहीं आती है। इसका जो कपड़ा है थोड़ा सा चिकना सा है, इसलिए इसमें कोई भी सिलवटें नहीं पड़ती हैं। सारे कपड़े हो गए हैं फोल्ड, अब मैंने इनको अपनी जगह पे लगा दिया है और मेरी आध्या भी आ चुकी है। काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया है, बीच में मैंने वीडियो नहीं बनाया था तो काफ़ी देर हो गई है, करीब 1 बज रहा है, 1 बजे तो वो आई है, 1:10 या 15 मिनट हो चुके होंगे। तो मैं बना रही हूँ हलवा उसके लिए सूजी का, जो कि उसे भी बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी काफ़ी पसंद है। तो बस पहले सूजी को भून लिया है, उसमें डाल दिया है अकॉर्डिंग टू पानी जैसा मुझे चाहिए हलवा। कुछ लोग काफ़ी पतला खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग एकदम बर्फी की कतली जैसा जमा लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग पानी डाल देते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा पतला सा खाना पसंद करती हूँ तो इसलिए मैंने ज़्यादा डाला है। चीनी डाल दी है, थोड़ा सा घी डाल के इसको ढक कर पकने देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल के अच्छे से पक जाए। जैसे ही सूजी अच्छे से फूल जाती है, ये हलवा पक जाता है, उसके बाद मैं इसको चलाऊंगी, थोड़ा सा घी और डालूंगी। चाहे कोई भी हलवा हो, आटे का, सूजी का, बेसन का या मूंग दाल का या किसी भी चीज़ का हलवा बनाएंगे, आप उसमें घी अगर डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं आध्या को खिला दूंगी। अभी शाम का टाइम है, मैं कर रही हूँ पूजा। मैं गई थी मार्केट शाम को, वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया क्योंकि मैंने मार्केट में कैमरा नहीं उठाया, वीडियो नहीं रिकॉर्ड की है। तो सीधे शाम को मिल रही हूँ, अभी कर रही हूँ मैं अपने मंदिर में पूजा यानी शाम की आरती, माता रानी का दिया बुझा रही हूँ।
तो आप लोग काफी लोग कहते हो बैठ के आरती नहीं करनी चाहिए, तो जी हाँ लो मैं अब खड़े होकर आरती करने लगी हूँ क्योंकि आप लोग ने काफी बार बोला है। हालांकि मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती भी खड़े हो फिर बैठो, इसलिए मैं बैठ के कर लेती थी, लेकिन आप लोगों ने इतनी सारी बातें करी तो मैंने सोचा चलिए आप सबके मन की और अपने मन की भी और भगवान के मन की भी कर लेते हैं और खड़े होकर आरती कर ले रही हूँ मैं। गई थी सब्जी लेने के लिए और भी कुछ काम था वो भी करके आई थी, तो यहाँ पे मैं सब्जियां है वो निकाल ले रही हूँ जो भी लाई हूँ। प्याज भी सस्ती हो गई है अब और आलू भी सस्ते हो गए हैं और ये पालक भी लाई हूँ, हरी वेजिटेबल भी लेकर आई हूँ काफी, जैसे पालक, पत्ता गोभी, सोया मेथी और हरा धनिया। अच्छा मेथी, पालक, सोया और हरा धनिया इन सबको मैं सुलझा के रखती हूँ, मतलब एक एक पत्ता हटाकर तोड़ के देख के रखती हूँ क्योंकि इनमें ना बीच में घास वगैरह भी आ जाती है कभी कभी, और आजकल पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां चल रही हैं, इसलिए इनकी इन वेजिटेबल को रगड़ रगड़ के डुबा डुबा के धोना चाहिए। तो मैं इनको एक बड़ी सी परात, हमारे यहाँ परात बोलते हैं इसको, इसमें डालकर इनको डुबा डुबा के धुल लूंगी मैं और इनको रख दूंगी ताकि इनका सारा पानी निकल जाए। धनिया मैंने अभी नहीं धुला है क्योंकि मैं इसको साफ करूंगी, पहले पत्तियां इनकी निकालूंगी फिर धुलूंगी, नहीं तो अगर धुल के रख दूंगी ऐसे तो ये सड़ सकती है। और सारी वेजिटेबल को धुल के मुझे फ्रिज में लगाना है। और एक कमेंट आया था कि दीदी सर्दियों में भी आप फ्रिज चलाते हो, तो जी हाँ मैं फ्रिज कभी नहीं बंद करती हूँ, ना ही फ्रिज को कभी बंद करना चाहिए। आप उसको स्लो कर सकते हैं, उसका जो टेम्परेचर है वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको चालू रखिएगा, कभी बंद मत कीजिएगा। मैं उसमें अभी इस टाइम पे दूध रख देती हूँ और कुछ सब्जियाँ रख देती हूँ, बस यही रखती हूँ, पानी वगैरह मैं नहीं रखती हूँ क्योंकि अभी इस टाइम ठंडा पानी तो कौन पीता है। और अदरवाइज और भी जो चीज़ें होती हैं वो मैं इसमें नहीं रखती हूँ, अगर जैसे कि बटर है तो मैं उसमें नहीं रखूँगी, वो बटर जम जाता है फिर उसको मेल्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है, तो मैं हरी सब्जियाँ वगैरह रख देती हूँ उसमें। बनाने लगी हूँ अपना डिनर। में आज मैं बनाई मूंग की दाल। आप लोग बोलोगे दाल क्यों बना रही है, जब देखो तब दाल बनता है। कि हाँ थर्सडे है, थर्सडे के दिन हमारे यहाँ मूंग की दाल ही बनती है क्योंकि इसमें प्याज वगैरह नहीं डालते हैं। सुबह मैंने कचौड़ियाँ बनाई थी इसकी, आप उसमें कचौड़ियों में प्याज डाल सकते हैं, थर्सडे था इसलिए मैंने नहीं डाला है। तो बस यहाँ पे मैं जब भी मैं दाल याली बनाती हूँ उसमें हरी मिर्ची को कूट के डाल देती हूँ। अगर आपके पास हरी मिर्ची का पेस्ट बना हुआ रखा वो भी डाल सकते हैं, और इसको नमक डाल के हल्दी डाल के इसको चढ़ा देंगे और इसकी सीटियाँ आने देंगे। जब तक सीटी आएगी तब तक मैं आटा वगैरह गूंथ के रख लूँगी और दाल है वो बन के तैयार हो जाएगी, तब मैं इसको दूंगी तड़का। तड़के में मैं घी, हींग और लौंग का इस्तेमाल करती हूँ, मतलब मैं जो लौंग होती है उनको तोड़ के और फिर उसमें तड़का देती हूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू अच्छी आती है। अगर आप नहीं यूज करते हैं लौंग तो एक बार यूज करके देखना, बहुत ही टेस्टी लगती है। पे आ गई है आध्या, वो बोल रही है मैं रोटी बनाऊंगी अपने लिए एक, तो चाहे कुछ भी कर लो, कितना भी कम मतलब मना कर लो, लेकिन आध्या को अपने आप से रोटी बनाना ही है एक। तो ये जो रोटी वो बना रही है थोड़ी सी मोटी सी बनाएगी क्योंकि उसे इतना अच्छे से ना बनाना आता, लेकिन वो करती रहती है, अगर मैं उसे मना करूंगी तो नहीं मानेगी। बेटियां ऐसी ही होती हैं, पता नहीं चलता उनका घर है कौन सा, ससुराल वाला घर है या मायके वाला, हालांकि उनके दोनों ही घर होते हैं, वो दोनों घर को ही संभालती हैं, लेकिन कहते हैं ना वो पराया हुआ और वो पराए घर से आई हुई, तो इसलिए पता नहीं चलता है कि बिटिया है कहाँ की। तो ऐसी सिचुएशन कुछ आ जाती है जब बड़े होते हैं बच्चे, तब समझ में आती है, जैसे कि मुझे समझ में आता है, कुछ लोग को और समझ में आता होगा और पता नहीं क्या क्या होगा। हालांकि मैं यही दुआ करूंगी कि सभी के साथ अच्छा ही हो। यहाँ पे आते हैं रोटी है वो बेल ली है, मैं इसकी रोटी सेक दूंगी और उसको पहले इसको खाना खिलाऊंगी,
रोटी सेक कर घी वगैरह लगा करके। लगा दिए मैंने आधा की थाली, रोटी में घी लगाया है, दाल में भी थोड़ा घी डाला है। बच्चों को घी जरूर दीजिएगा और उसके बाद इसको दे देंगे, ये जाएगी अपना खाने के लिए। बीच बीच में मैं देखती भी रहती हूँ और उसके पापा तो उसको देख ही रहे हैं, वही खिला देंगे और फिर मैं अपने हस्बैंड को खिलाऊंगी। और ये देखिए ये थाली लगा ली मेरे अपनी लास्ट में, तो ये देखिए रोटी है, चटनी है हरी जो कि मैंने सुबह ही पीसी थी, आप लोगों को नहीं दिखाई, बहुत अच्छी बनी थी चटनी है। और ये है दाल। बस मैं डिनर कर चुकी हूँ, घर का काम भी खड़ा हो गया है। तो जब मैं आई हूँ रूम में तो आधे मैडम देख रही थी अपना कार्टून, और ये जो सब बेड मैसी मैसी से दिख रहा है। अब जैसा कि मैंने बताया मैं गई थी मार्केट, तो वहां से आने के बाद सब ऐसे ही डाल दिया क्योंकि खाना भी बनाना था, काम भी करना था। वो मेरा बैग पड़ा हुआ है, आधा की जैकेट है मैंने उठा के रख दी है। आधा बहुत सारा प्यार कर रही है, ले लो मम्मा मुझको, काफी देर में आई हूँ मैं, किचन में ही लग गई थी सारा काम करके निपटा के तब आई हूँ। और कुछ आधा के कपड़े डले जो सुबह पहने थे उसने, और जब मार्केट गई थी तब इसने ये वाले कपड़े पहने थे, ये हस्बैंड का स्वेटर है। तो मैं सब चीजें सही सही जगह पे रख दूंगी, स्टॉल वगैरह अपना रख दूंगी और बेड है वो अच्छे से लगा लूंगी। आहा कितना प्यारा लग रहा है, दो दो लगाओगी? वाओ कितना सारा प्यार, कितना सारा प्यार है। कौन सा वाला प्यार दे रहे हो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा वाला प्यार, बहुत अच्छा वाला प्यार है ना, बहुत अच्छा वाला प्यार। वो लाया उसे उठा लेके बच्चे को, फिर रोले लगे बच्चे कैसे ऐसे, फिर ऐसे तंग दिया फिर उल्टा, फिर वो अपने घर जाया, फिर ऐसे कूद गया। मैं लिपस्टिक लगाई हूँ, आप थोड़ी ना, आपके तो लिप पिंक है ना। क्या लाए थे आप मार्केट से आज? गंदे बच्चे, अच्छी बात थोड़ी ना होती, कीड़े लग जाते हैं किंडर जॉय से। अबे एक कौवा ही है अंदर आया, पत्थर के कारण शुरू हो गई अध्याय मेरी, क्या बकवास अध्याय की। चले सोए मम्मी, बाय बाय। सो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय बाय।